पुणे के सदर अस्पताल में मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए न तो ढंग का स्ट्रेचर है और न ही अस्पताल परिसर में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड ही किया जा रहा है, जिससे मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। लोग बाहर से एक्सरे कराकर आते हैं। ऐसे ही एक मरीज को परिजन ने ठेले पर लाद कर एक्सरे सेंटर पहुंचाया। इस दरमियान उनके परिजनों ने बताया कि उनके पास ठेले के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जरा सोचिए, जिस ठेले पर लोग सामान की ढुलाई करते हैं अस्पताल में, उसी ठेले पर मरीज के परिजन मरीज की ढुलाई करने को विवश हैं। क्या अस्पताल प्रशासन की नज़र में मनुष्य और सामान में कोई फर्क है? असुविधा है, मेरे पास जो एम्बुलेंस है, मान लीजिए भाई भागलपुर चला गया, कभी कभी हमारा है ना 0099 पटना चला जाता, कोई गाड़ी नहीं। पेशेंट को या सीरियसनेस को देख के उसको है ना जो रिश्ते करना चला, अगर उनको कहा जाता है कि सबमिट कीजिए सीरियस नहीं रहता है एम्बुलेंस आता है। प्राइवेट एम्बुलेंस जो गेट पे लगती है वो मनमानी गेट एम्बुलेंस के लिए है ना, जो अपना उनको चार्ज लेगा वो मनमानी चार्ज लेते हैं सर। उसके लिए तो हम है ना सब परमिशन नहीं है, हमारे पास 19 एम्बुलेंस जिले में, और जब रोड पर है तो कुछ ना कुछ गाड़ियाँ तो खराब रहेंगी, ऑफ रोड कुछ रहता है, मैक्सिमम ऑन रोड है और अच्छी सर्विस है ना। तो हमारे एम्बुलेंस वाले अच्छी सर्विस करते हैं।